बोले और कुत्ता छूत का हो, कुत्ता छूत का हो गया। कौन सा गांव? मलिकपुर। कुत्ता छूत का हो गया क्यों? कि कुत्ता छूत का इसलिए हो गया कि वो जाटव की रोटी खाया। जाटव की रोटी खाने से कुत्ता छूत का हो गया, तो कुत्ते को जाटव के घर पे बांध के आ गया कि अब जो कुत्ते को मैं नहीं रखूंगा, अब तो जाटव के घर में ही रहेगा। तो लोग बड़े दुखी थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आप पूछो क्यों खुशी हुई? मुझे खुशी इसलिए हुई कि जो जाटव झूठे जाति ना बताएं अपनी, और जाटव किसी मंदिर पर लड्डू चढ़ा दे और तीन चार तिलक लगा ले यहां मत्थे पर, ऐसा लगे जो पंडित जैसे लग रहा है, ठीक है, और लड्डू जाकर के सबके घर में इनकी महिलाओं को खिला के आ जाए, ठीक। अब दिन में तो महिलाएं अकेली रह जाती, पंडित जी आए फलारे मंदिर का प्रसाद लीजिए खाइए, हम महिला ने खा लिया। अब बाद में घोषणा कर दे कि भैया हम तो पक्के चमार हैं, तो ये क्या कहेंगे कि हमारी औरतें चमार का लड्डू खा गई, छोट की हो गई, अब इनके घर में बांधे आओ, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो लोग बड़े, लोगों को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है यार, तो मैं तो जिसकी औरत तो देख लो उनमें से और मैं लड्डू खिला, बाद में कह दो मैं चमार हूं, तुम्हारे घर में बांध जाएगा वो, ठीक है कि नहीं? ये हुआ तो कलेक्टर महोदय क्या कहने लगे, एसपी साहब आप तो समस्या बताइए, समझाना क्या करना हम? अरे हमने किया, हमें नहीं, ये तो बढ़िया है लड्डू खाए, चमारों के पास दो दो औरतें हो जाएंगी, और बसोड़ मेहतर कोली ये भी साथ दे दे इनके भी दो दो, ठीक है कि नहीं? करो, दिल्ली में होगी ये पंचायत, उसमें चर्चा होगी पूरे दिल्ली के सामने, ठीक। तुम करो, कितना छुआछूत करते हो, कितना भेदभाव करते हो, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं यहां पर भी ये नौजवानों से, ये हमारे लड़ने वाले लोग हैं, हमारी बहनें बेटियां भी बैठी है, बात तो समझ में आ रही है नहीं?